भैया आपका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव जी कहाँ से हो आप? हम एनसीएमसी से हैं। अच्छा क्या बात हो गई यहाँ पर आज आप लोग खड़े हुए, क्या बात है? कल झंडा नहीं चढ़ा, कोई स्टाफ नहीं आया बैंक का। अच्छा कहाँ किस जगह झंडा नहीं चढ़ा गया? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में, मतलब कल 15 अगस्त को झंडा नहीं चढ़ा गया? नहीं चढ़ाया गया। अच्छा भैया आपका नाम क्या था? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी क्या बात है ये जी लोग बता रहे हैं झंडा नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ो कल। अच्छा यहाँ बैंक बैंक के कर्मचारी लोग नहीं आए क्या? नहीं बंद। और बैंक मैनेजर साहब वगैरह कोई? कोई नहीं सब बंद। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? स्वतंत्र जी क्या आप भी कहाँ से हो आप? सेमरी से। क्या बात हो गई यहाँ से झंडा निकला था तो हर जगह ध्वजन हुआ, तो यहाँ पर ध्वजन नहीं हुआ था। चार बार बुलाते थे कि आ जाओ ध्वजन होना है। अच्छा लेकिन इस बार नहीं बुलाया तो कल बुलाया किसी को? अच्छा कल बुलाया गया नहीं, झंडा चढ़ा या नहीं चढ़ा? झंडा नहीं चढ़ा था। अच्छा चलिए और लोगों से बात कर लेते। भैया आपका नाम क्या था? ध्रुव कुमार यादव। कहाँ से हो जाए? सेमरी से। क्या है जी लोग बता रहे हैं कि झंडा नहीं चढ़ा, ये सही है कि गलत है? सही बात है। अच्छा कल झंडा नहीं चढ़ाया गया। चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? राकेश कुमार यादव। आप कहाँ से हो? सेमरी से। सेमरी से। क्या हो गया जी लोग बता रहे हैं कि यहाँ सेमरी बैंक पे जो सेंट्रल बैंक है यहाँ झंडा नहीं चढ़ाया गया? नहीं चढ़ाया था, पिछली बार भी नहीं चढ़ा था। अच्छा पिछली बार भी नहीं चढ़ाया था, मतलब ये कोर प्रधानमंत्री जी हर घर झंडा चढ़ा रहे हैं और यहाँ गाड़ी वाहन सभी जगह झंडा लगे हुए हैं लेकिन बैंक सरकारी संस्था होती हुई भी नहीं चढ़ा था यहाँ पे। अच्छा चाचा आपका नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह जी आप कहाँ से हो? सेमरी से। कल के यहाँ झंडा चढ़ा गया 15 अगस्त को कि नहीं चढ़ा? चलिए और भैया बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? शिव कुमार। शिव कुमार जी क्या है यहाँ पर झंडा बता रहे हैं कि झंडा नहीं चढ़ा गया? बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, कल 15 अगस्त था जी, यहाँ पर कोई बैंक का स्टाफ नहीं आया जी, यहाँ पर तिरंगा फहराया है जबकि मुहिम चल रही है घर घर तिरंगे की जी जी। इस स्थिति में सरकारी कोई भी स्टाफ नहीं आया, ना ही बैंक में कोई। चाचा आप लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या चाह रहे हैं? जो इन्होंने उल्लंघन किया है जी जी, जबकि मुहिम चल रही है घर घर तिरंगा की जी, तो इनके साथ कार्रवाई की जाए जी जी। चलो भैया से और बात। भैया आपका नाम क्या है? राम कुमार। राम कुमार जी सेमरी के रहने वाले हैं। अच्छा सेमरी लोग आए थे जी, झंडा नहीं था। आप कितने बजे आए थे भैया? लगभग 7-8 बजे। 7-8 बजे आए थे आज, लेकिन 8 बजे झंडा नहीं चढ़ा था। फिर आपने दोपहर पे देखा झंडा चढ़ा? नहीं लगा था ना। अच्छा आए नहीं? हाँ अभी तक नहीं लगा ना, अभी भी हमें आज आज कितनी तारीख है भैया? 16 तारीख है आज। अपन लोग यहाँ हैं इस समय भी झंडा नहीं देखा जा रहा है। अच्छा कल सब लोग छुट्टी पे थे। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात कर ले। भैया आपका नाम क्या है? जयंत यादव। जयंत यादव जी कहाँ से हो ये? सेमरी से। क्या है ये लोग बता रहे हैं सेंट्रल बैंक पे झंडा नहीं चढ़ा है, ये सच्चाई है क्या? कल कोई बैंक कर्मचारी नहीं आए। अच्छा हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था झंडा नहीं चढ़ा है कल? क्या बैंक कर्मचारी कार्रवाई? अच्छा कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे साथ मौजूद है भैया, सर आपका नाम क्या है? रामलाल यादव। रामलाल यादव कहाँ से हो सर आप? सेमरी से हो सर आप? क्या कोई विभाग में हो सरकारी? अच्छा हेडमास्टर हो सर। यहाँ जो लोग बता रहे हैं ग्रामीण सेमरी के लोग कि सेमरी में जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसमें झंडा नहीं चढ़ाया गया कल, क्या हाँ? 12-1 बजे जब हम आए जी, यहाँ अपने अपना झंडा फहरा कर। अच्छा झंडा फहरा कर जी, यहाँ पे और लोगों ने बताया और यहाँ झंडा चढ़ा भी नहीं था। अच्छा अच्छा सर, तो आपका क्या कहना है कि ऐसा होना चाहिए था कि 15 अगस्त को झंडा नहीं चढ़ा? झंडा चढ़ना बहुत जरूरी है जी। सही खड़े हो तब तक बढ़िया जी। अगर राष्ट्रीय पर्व पर झंडा नहीं चढ़ेगा तो क्या होगा जी? इस हिसाब से तुम्हारा ये राष्ट्र पर्व की धज्जियां उड़ाई जा रही। अच्छा तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए सर? अब ये तो हम नहीं कह सकते क्या जी 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 ये तो, लेकिन लेकिन इन्हें झंडा चढ़ाना चाहिए था। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बात कर लेते चाचा जी। हम नहीं जाना चाहते। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी भैया आप जो बता रहे हैं लोग कि यहाँ झंडा नहीं चढ़ा है सेंट्रल बैंक पर, क्या है आपको जानकारी है कुछ? हम 1 बजे के लगभग आए थे तब यहाँ झंडा नहीं चढ़ा। अच्छा आप कहाँ से आए थे सर? स्कूल। अच्छा स्कूल से झंडा फहरा कर अपने स्कूल से फिर यहाँ आए। अच्छा घर आए अपने तो नहीं मिला झंडा चढ़ा। लेकिन क्या ये मतलब ऐसा होना चाहिए झंडा नहीं चढ़ा? सरकारी संस्था है यहाँ तो जी, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। छब्बीस जनवरी को भी नहीं चढ़ा था? झंडा ही बंद कर दिया उन्होंने चढ़ाना, पुराने थे वो तो चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, बुलाते थे गाँव वालों। अच्छा चाचा आपका नाम क्या है? हरी सिंह। कहाँ से हो जाता? यहीं से। यहीं मतलब किस गांव से? सेमरी से।
अच्छा, ये लोग बता रहे हैं झंडा नहीं चढ़ा, क्या ये सही है कि गलत है? ये सही, हकीकत सही है। अच्छा, झंडा नहीं चढ़ा और 26 जनवरी को भी झंडा नहीं चढ़ा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि अभी अपने बैंक मैनेजर से बात की कि आप लोग झंडा नहीं चढ़ाते हैं? सरकारी आदमी अधिकारियों से हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या हो रहा है ऐसे, क्या हो रहा है भैया? भैया क्या क्या समस्या, क्या कह रहे थे भैया? हम क्या कह रहे हैं भैया, कल 15 अगस्त था जी, हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक में पहली बार ऐसा हुआ कि झंडा नहीं चढ़ा है। अच्छा, कौन सी कहाँ किस जगह है ये सेंट्रल बैंक? सेमरी। सेमरी, भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम स्वतंत्र सिंह यादव। कहाँ से हो? सेमरी से। अच्छा, कल मतलब 15 अगस्त को झंडा नहीं चढ़ा है? नहीं चढ़ा था। अच्छा, अभी तक चढ़ता हर 15 अगस्त होता है। अच्छा, लेकिन इस बार नहीं चढ़ा है? इस बार नहीं चढ़ा। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं। ऊपर शासन से अपने आप डंडा हुए, समझ में आ जाए। बस, खबर आप तो